हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में हम आज कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे, मतलब क्या क्या प्रोसेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक होगा इसी में, दैट विल बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है, सिंस वी कॉल आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो थर्ड टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, दैट विल बी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या है, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। और लास्टली विल डिस्कस अबाउट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और ये जो दो टॉपिक्स ऐसे हैं, इसमें डैम श्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको डैम श्योर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं में से, जो भी मैं टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। एक रूल्स होते हैं, उनका सेट होता है, और क्या कहते हैं, विच डिफाइन द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वहां पे कैसे गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। तो उस जो सेट ऑफ रूल्स है ना, उसके थ्रू आप देख के बता सकते हो गवर्नमेंट किस तरह की, किस तरह से रूल कर रही है, उनके आइडियल्स क्या है, ठीक है, आइडियाज क्या है स्टेट के बेसिकली रूल करने के। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे स्टेट हो गया। स्टेट क्या होता है, स्टेट बेसिकली थ्री कंडीशंस, यू हैव टू फुलफिल थ्री कंडीशंस इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ स्टेट। अगर आपको अपने आप को स्टेट कहलाना है, तो यू विल हैव टू फुलफिल थ्री कंडीशंस, दोज आर डिफाइंड टेरिटरीज, पॉपुलेशन, सोवरेन गवर्नमेंट, ठीक है। यू मस्ट हैव अ डिफाइंड टेरिटरी, और यू मस्ट हैव अ पॉपुलेशन, वहां पे लोग रहने चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है, जिनके ऊपर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल करोगे, ठीक है। और आपकी जो गवर्नमेंट है, दैट शुड बी सोवरेन गवर्नमेंट, मतलब बाहर की गवर्नमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आप पे, और यू शुड बी एबल टू मेक योर ओन रूल्स। अपनी जो पॉपुलेशन है, यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर ओन पॉपुलेशन। तो थर्ड है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट बेसिकली क्या होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट वो होती है जिनके एक्शंस ना, जैसे कोई गवर्नमेंट है, उनके एक्शंस के ऊपर अगर क्या कहते हैं, एक चेक रखा जाए, एक लिमिटेशंस रखी जाए, ठीक है, तो दैट विल बी नोन एज लिमिटेड गवर्नमेंट। जैसे उनकी जो पावर्स है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। इनकी जो गवर्नमेंट है, उनके ऊपर एक कोई लिमिटेशंस नहीं है, दे कैन टेक व्हाटएवर एक्शन दे वांट टू, ठीक है। और जो थर्ड है, दैट इज ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। तो दैट वाज अराउंड 1200 एडी। तो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्ट्स यू विल हैव टू रिमेंबर व्हाइल नोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूएसए। इंडिया का दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वन इज रिटन एंड वन इज अनरिटन। ये तो श्योर है कि हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होना इज कंपल्सरी, वहां पे कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर ही होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि जो ओनली ब्रिटेन, इजराइल एंड न्यूजीलैंड टिल टूडे, दे आर ओनली द कंट्रीज दैट आर हैविंग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो क्या कहते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनरिटन। इंडिया का आप केस ले लो, इंडिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी, ठीक है। और एक हो गया ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूएसए, एंड ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए, एंड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटेन। नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग मोर अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिन लोगों ने, वो कैसे फॉर्म हुआ बेसिकली। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होता है 1934 से। 1934 में एक पर्सन था, एमएन रॉय, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज बाय स्वराज पार्टी एट रांची। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑगस्ट ऑफर आता है। ऑगस्ट ऑफर में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, दे वर सीकिंग इंडिया सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो क्या कहते हैं, इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे, वो कब, वर्ल्ड वॉर टू में। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, वो पहली बार एक्सेप्ट हुई। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, दैट वाज बीन रिजेक्टेड, और एज अ रिजल्ट उसका जो रिजल्ट था, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, दैट वाज बीन रिजेक्टेड।
फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इनके जो जो चेयरमैन थे दैट वाज पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, और जो दो और अदर पार्टिसिपेंट्स थे दोज वाज स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। ये तीन नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रहने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान द फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। दिस पॉइंट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट और ये भी आपको याद रखना है। अब आगे फर्दर देखते हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, ठीक है। तो बिफोर डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब जब पाकिस्तान नहीं बना था, तब एट दैट टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। फिर 389 में से जब पाकिस्तान अलग हो गया तो देन इंडिया के पास बची 299 सीट्स। तो 299 सीट्स में से 229 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 70 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। उस समय इंडिया भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था, दैट इज ब्रिटिश इंडिया और वन वाज प्रिंसली स्टेट्स। तो 229 सीट्स वर विद ब्रिटिश इंडिया और 70 सीट्स वर विद प्रिंसली स्टेट्स। तो 229 में हम देखते हैं कि 226 जो सीट्स थी दैट वर विद इंडियन प्रोविंसेस, जैसे हो गए यूपी, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, एमपी वगैरह, जो ये सब स्टेट्स थे इनके पास थी 226 सीट्स। और 3 जो सीट्स थी दैट दोज वर नॉमिनेटेड मेंबर्स, और वो थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, उनको कहा करते थे, जैसे हम आज की डेट में मॉडर्न डे यूनियन टेरिटरीज जिनको कह सकते हैं। तो उस समय पे 3 हुआ करती थी, दैट वॉज अजमेर, दिल्ली और कूर्ग। कूर्ग मतलब कर्नाटका। तो फिर देखते हैं हम इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनके जो मेंबर्स थे, जो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनके मेंबर्स इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो उनके इलेक्शंस को हम एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस कह सकते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द डायरेक्टली इलेक्टेड एमएलए, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, जैसे प्रोविंसेस हैं वो अपने मेंबर्स इलेक्ट करके भेजेंगी, ठीक है। फिर वो जो मेंबर्स हैं वो और मेंबर्स को इलेक्ट करके इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे। तो डायरेक्ट इलेक्शन ही था। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट सिटिंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, और उस समय जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनके दैट वर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और सेकंड इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ था 13 दिसंबर 1946 एंड दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हमारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडर्न डे प्रीएम्बल भी कह सकते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ 13 दिसंबर 1946 को और पास हुआ 22nd of January 1947 को। फिर उसके बाद आता है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1946, जिसको आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं, 26 नवंबर 1946। तो जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1946, और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंट, जो इंप्लीमेंट हुआ था दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको कहते हैं द इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लास्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो लास्ट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी वो रिपब्लिक होने से 2 दिन पहले आप याद रख सकते हो, 24th of January 1950, और उस समय जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और इंडिपेंडेंट इंडिया के आप बोल सकते हो फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और लास्ट सिटिंग में कौन थे, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो अब बात करते हैं द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी क्या थी ना, डिफरेंट कमिटीज में डिवाइडेड थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी हम देखते हैं तो वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी। तो मैंने बेसिकली जो जितनी भी कमिटीज है, जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज है वो बताई है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके चेयरमैन थे, सरदार पटेल किसके चेयरमैन थे, वो मैंने बेसिकली डिस्कस किया है। तो ये बेसिकली पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, इट वॉज अ 7 मेंबर्स कमेटी, और जो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इसके जो 7 के 7 मेंबर्स हैं उसके आपको नाम रटे होने चाहिए एक तरह से बाय हार्ट। और सेकंड कमेटी हम देखते हैं यूनियन पावर्स कमेटी, और थर्ड देखते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी। तो ये जो ये 3 कमेटीज है, इनके जो चेयरमैन थे दैट वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो फिफ्थ देखते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी।
ये जो तीन कमेटी थी इनके जो चेयरमैन थे दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एट्थ कमेटी जो हम देखते हैं दैट वाज एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज एंड माइनॉरिटीज, जो इसके मेंबर्स थे दैट वाज जो इसके चेयरमैन थे दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक और कमेटी थी कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब फंक्शनिंग कैसे होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसके जो चेयरमैन थे दैट वाज जीवी मावलंकर और ही वाज आल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अब डिस्कस करते हैं फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिकली क्या क्या फंक्शंस किए, क्या क्या काम किए हैं। तो फर्स्ट काम किया है उन्होंने, दे प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो सभी जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रिपेयर करके दिया है हमको। फिर आता है दे इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। जैसे कि हम जानते हैं हमारा कंट्री रिपब्लिक है तो हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए वो इलेक्टेड होना चाहिए, तो दे परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम देखते हैं दे अडॉप्टेड नेशनल सिंबल्स, जैसे हम देखते हैं नेशनल एम्बलेम हो गया, नेशनल एनिमल हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, बहुत तरीके के नेशनल सिंबल्स हैं, तो वो सारे जो अडॉप्ट किए दैट वाज बीन अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड दे एक्टेड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट टिल द फर्स्ट इलेक्शन इन 1952 में फर्स्ट लोकसभा इलेक्ट होके आई, फर्स्ट हमारी जो लोकसभा है वो इलेक्ट होके आई, तो तब तक जो प्रोविजनल पार्लियामेंट बनने का काम किया था वो दैट वाज बीन डन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दे परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ मेकिंग लॉज, तो फ्रॉम 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हो गया था, तो टिल मई 1952 हमारे देश में इलेक्शंस नहीं हुए थे, 1952 में फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे, तो उस बीच जो लॉ मेकिंग का काम था वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। तो अब देख लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे प्रीलिम्स में कि ये पार्ट कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये कहाँ से हमने एक तरह से हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो फर्स्ट सोर्स डिस्कस कर लेते हैं दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको बेसिकली हम फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस होने से पहले यही एक लॉ जो प्रिवेलिंग था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रिवेलिंग लॉ था, उसी से ही काफी ज्यादा प्रोविजंस हमने लिए थे। उसमें देखते हैं जो फेडरल स्कीम है, जुडिशरी है, पब्लिक सर्विस कमीशंस है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, काफी सारा जो हमने बोरो किया है दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकेंड जो सोर्स है दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, जो हमारी जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, तो दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया दैट इज रूल ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ का एक क्या कहते हैं, मतलब जो रूल चलेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द लॉ ओनली। रिट्स, बायकैमरलिज्म, जो बायकैमरलिज्म हम देखते हैं अभी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ठीक है, तो ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। एंड देन वी कम टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सब जो हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। फिर आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो हमारा प्रोसीजर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का दैट इज फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज बायस टूवर्ड्स सेंटर, मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर दी गई है, ठीक है, भले से हमारा जो है फेडरल है बट इट इज नोन एज क्वासी फेडरल, क्योंकि सेंटर जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, तो दैट इज बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या आइडिया लिया है दैट इज ऑफ जॉइंट सिटिंग, मतलब जो दो कोई भी बिल पास होने में जब डेडलॉक आ जाता है तो जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट, ये इन दोनों का प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आते हैं वीमन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को वीमन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो वहां से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में जो फंडामेंटल राइट्स हमारी जो वो हो जाती है, फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो अधिकार में वो हो जाता है, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती है फंडामेंटल राइट्स में, तो वो जो प्रोविजन है दैट इज टेकन फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है यूएसएसआर जो कि रशिया है, वहां से हमने आइडिया लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का,
ठीक है, और आइडियल ऑफ सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फिर आता है फाइनली फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया लिया है रिपब्लिक का, जो अपने प्रीएम्बल में बेसिक आइडियाज देखते हैं, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, तो ये बेसिकली हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम देखते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सेलिएंट फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, तो इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हमारा जो पास किया था 1949 में, तो उसमें थे ओरिजिनली 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स। तो जब उसके बाद काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए, काफी सारे इंप्रूवमेंट्स, काफी सारे चेंजेस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, तो उसके बाद जो 3 पार्ट्स और ऐड किए गए और सेवरल आर्टिकल्स ऐड करके, मतलब अराउंड 448 आर्टिकल्स अब हो चुके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 12 स्केड्यूल्स हो चुके, मतलब 8 के बाद 4 स्केड्यूल्स और ऐड करें थ्रू अमेंडमेंट्स। तो जो सेकंड फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स, बेसिक इंपॉर्टेंट राइट्स, मच नीडेड राइट्स, जो कि क्या कहते हैं, किसी भी पर्सन के वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो पार्ट 3 में मेंशनड है, दैट इज दैट आर फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 12 से 35 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोवाइडेड है, दोज आर जस्टिसिएबल। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप क्या कहते हैं, अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही हो थ्रू एनी एक्शन ऑफ द स्टेट, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे जा सकते हो, तो दैट मीन्स दीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर। नेक्स्ट है डीपीएसपीज। तो डीपीएसपी बेसिकली क्या है, डायरेक्शन है, स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो हमारे जो फर्दर जो स्टेट को जो गवर्नमेंट होगी उसको सर्टेन डायरेक्शंस दिए गए हैं कि फॉर द वेलफेयर स्टेट, मतलब एक स्टेट को अच्छे से चलाने के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। दोज आर मेंशन्ड इन पार्ट 4। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमको जो प्रोवाइड करेंगे, दोज आर डीपीएसपी, और ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, मतलब अगर स्टेट आपको कुछ चीज प्रोवाइड नहीं करती है फ्रॉम दीज डीपीएसपी, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा नहीं सकते हो। फिर आते हैं फोर्थ, देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम देखते हैं कहां से लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिए हैं यूएसएसआर से, और पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मेंशन है, एंड दीज आर आल्सो नॉन जस्टिसिएबल। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, दीज आर 11 इन नंबर्स। फिर हम देखते हैं वेलफेयर स्टेट, तो मतलब जो हमारे स्टेट की, हमारे जो गवर्नमेंट की, एक तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से आइडियाज रहा है ना फॉर द वेलफेयर फॉर द पीपल, तो अपने पीपल के लिए एक तरह से वेलफेयर के लिए रहा है उनका जो भी आइडिया रहा है, मतलब फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मतलब चाहे आपके कुछ भी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ये आपकी सरकार की ड्यूटी है कि आपको हर चीज प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू द डीपीएसपी। जब डीपीएसपी टोटली फुलफिल हो जाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर लिविंग इन अ वेलफेयर स्टेट, मतलब बहुत ही अच्छा वेलफेयर कंडीशन है आपकी। फिर आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है दैट फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, बेसिकली दिस वाज अ थ्योरी, और इसमें ये बताया गया था कि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है ना, दैट इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तो इन तीनों को ना एक तरह से सेपरेट रखना चाहिए और इनके इंटरफेरेंस से एक दूसरे के इंटरफेरेंस से इनको रोकना चाहिए। फिर देखते हैं कि अगर क्या कहते हैं, हमने जो इसको तीनों ऑर्गन्स को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, तो हम देखते हैं कि ये दोनों पावर्स बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट एंजॉय करने लग जाते हैं। तो फिर एक और जो डॉक्ट्रिन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, मतलब ये देखते हैं कि हम जो एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेटिव हो गए और जुडिशरी हो गए, इन पे एक तरह से ना चेक एंड बैलेंस रखा जाता है इनके बीच में, कि जैसे आप ये देख सकते हो कि जुडिशरी है वो कोई भी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर है वो उसको वॉइड, उसको इनवैलिड कर सकती है, और क्या कहते हैं जो पार्लियामेंट है वो क्या कहते हैं किसी भी जुडिशरी को, जैसे हाई कोर्ट जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट जज हो गए, उनको रिमूव कर सकती है। तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। फिर आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है ना, दैट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ना, कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं दोज आर डिराइव फ्रॉम द लेजिस्लेचर्स ओनली, जो लेजिस्लेचर्स है ना उन्हीं से जो है एग्जीक्यूटिव डिराइव है, एंड दोज आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर।
जो जो लेजिस्लेचर के थ्रू ही जो एग्जीक्यूटिव है वो पावर एंजॉय करते हैं, और जो अगर लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस है तभी वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव भी पावर में रहते हैं। तो दिस इज नोन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है वो हमने लिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू द जुडिशरी हैज गॉट पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो टेंथ सेलियंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ना, ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, कि मतलब जो सेंटर है और स्टेट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट में एक बैलेंस ऑफ पावर होगा, मतलब सेंटर के पास सर्टेन पावर्स होंगी, स्टेट के पास सर्टेन पावर्स होंगी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और 11th जो है, दैट इज बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, जिसको अमेंड करना बहुत ही ज्यादा टफ हो, और फ्लेक्सिबल क्या होता है, जिसको अमेंड करना बहुत ही ईजी हो। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें आर्टिकल 368 में बेसिकली दे रहा 3 प्रोविजंस टू अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 प्रोविजंस दिए गए हैं, कि 3 प्रोविजंस अलग अलग, क्योंकि सर्टेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड करना बहुत ज्यादा टफ है, और सर्टेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यही है कि बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंटेन्ड है। और द 12th सेलिएंट फीचर इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बेसिकली एक थ्योरी है दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, और रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी ने दिया था। तो ये बेसिकली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि ये थ्योरी किसने दी थी। रूल ऑफ लॉ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट विल प्रिवेल इन ऑल टर्म्स ऑल काइंड ऑफ कंडीशंस, मतलब सबसे जो सुपीरियर है दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है, रूल विल बी इक्वल फॉर ऑल। तो यही है सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फाइनली बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा प्रीएम्बल है ना, दिस शुड बी लर्न्ड बाय हार्ट, मतलब पूरा आपको वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए, इसमें हर एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे स्टार्ट करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizens justice, liberty, equality. Justice किस किस तरह की? Social, political and economic. Liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. So equality of status and opportunity. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. On this day of 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. तो ये basically पूरा का पूरा preamble आपको by heart याद होना चाहिए, हर एक word इसका बहुत important है। जैसे कि हम start करते हैं, ये blue और red words ये basically keywords हैं preamble के। जैसे sovereign का क्या मतलब होता है, मतलब कि हमारा जो government है ना, it should be the final authority, हम अपने पीपल के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए इट शुड बी द फाइनल अथॉरिटी। कोई बाहर से आके हमको नहीं बोल सकता है कि ये रूल अप्लाई करो, ठीक है। फिर आते हैं सोशलिस्ट सेक्युलर। तो सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट से होता है कि जो ओनरशिप होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो क्या कहते हैं पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट एक सर्टेन वेलफेयर की तरफ काम करने के, उसकी जो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। दिस डिस्क्राइब सोशलिस्ट। और फिर आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट डजंट हैव एनी रिलीजन, गवर्नमेंट की कोई रिलीजन नहीं है, ना ही किसी रिलीजन को फेवर कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया सेक्युलर। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल, तो डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया रूल ऑफ पीपल। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जैसे एक स्टेट है, जैसे हमारा इंडियन स्टेट है, तो इसका जो लीडर होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ही शुड बी इलेक्टेड, नॉट हायरार्की तरह फॉलो नहीं होना चाहिए, जैसे मोनार्क होता है ब्रिटेन में, उस तरह का नहीं, जो हेड ऑफ द स्टेट हमारा इलेक्टेड होना चाहिए। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस। जस्टिस क्या होता है कि व्हाट वन डिजर्व्स ही मस्ट गेट दैट, तो वो होता है जस्टिस। तो सोशल होता है, पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक होता है। इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के लिए, जैसे सोशल हो गया, सोशल मतलब हिस्टोरिकली जो रॉन्ग डूइंग्स हुई है, मतलब जितने भी अत्याचार वगैरह हुए, जैसे SC ST आप ले लो,
ठीक है ट्रांसजेंडर्स आप ले लो, विमेन एम्पावर विमेन के लिए ले लो, तो वो तो सब आ जाता है सोशल जस्टिस में। फिर आता है लिबर्टी, लिबर्टी मतलब एक तरह से छूट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप, तो आप समझ ही गए होंगे। फिर आता है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब हर एक तो जो लॉ की नजर में हर एक इक्वल होगा, इक्वालिटी। टू प्रोमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, एक तरह से भाईचारा। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए, सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए कि हर एक में फ्रेटर्निटी को प्रोमोट करें। ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब और जो भारत देश की एकता है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको भी एक तरह से प्रोमोट करने की कोशिश करें, उसको भी एक तरह से मेंटेन करने की कोशिश करें। ऑन दिस डे ऑफ 26th of November 1949, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं, ऑन दिस डे वी डू हेयर बाय एनैक्ट अडॉप्ट दिस एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे पहली बात हम क्लियर हो जाती है ये दिया किसने है कॉन्स्टिट्यूशन, हमको हमने खुद को प्रोवाइड किया है, इसमें लिखा है हेयर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने खुद को दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आता है सोवरिन, ये सब तो डिस्कस हो ही गया है। अब जो रेड कलर में मेंशन्ड है ना, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, तो ये तीन वर्ड्स थे, दोज वर एडेड इन 1973 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और ये इसके ऊपर इसको एक ही बार अमेंड करा गया है, दैट इज ड्यूरिंग 1976 ओनली। और हाँ, और इज दिस प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर केशवानंद भारती केस 1973 इट वाज मेड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले एक और केस हुआ था, बेरूबारी केस, तो उसमें क्या कहते हैं प्रीएम्बल को वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1973 से इट वाज मेड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कहते हैं, इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, वन मोर थिंग, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जस्टिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल वगैरह के बारे में, और आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।